आपको बता दें, सुशांत के पिता केके सिंह ने जब से रिया चक्रवेदी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, इसमें लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुशांत केस से जुड़े तथ्य मीडिया को सामने रखे हैं। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सोमवार को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केस से जुड़ा एक ऐसा तथ्य सामने रखा जो वाकई में हैरान करने वाला है। परमवीर ने कहा कि सुशांत गूगल पर अपने नाम से आर्टिकल सर्च करते थे ताकि वो पता लगा सके कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। इतना ही नहीं, पेनलेस डेथ यानी कि विदाउट पेनफुल डेथ, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के बारे में भी सर्च करते थे। आपको बता दें, परमवीर सिंह का कहना है कि वो गूगल पर सर्च करते थे हाउ टू डेथ विदाउट पेनफुल, यानी कि दर्द रहित मौत। परमवीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जनवरी 2019 से जून 2020 तक सभी बैंक स्टेटमेंट का एनालाइज किया गया। खाते में करीब 14.5 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए थे, साथ ही 1.4 करोड़ रुपए का फिक्स डिपॉजिट भी था। इन पैसों के ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है। पुलिस कमिश्नर की मानो तो अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज कर चुके हैं। 13 और 14 जून से CCTV फुटेज बरामद करने के लिए छानबीन हो रही है, लेकिन किसी तरह की पार्टी के सबूत नहीं मिले। दिशा सालियान पहले से तनाव में थी, उनके केस की जांच चल रही है। सुशांत दिशा की मौत के बारे में पूछे जाने की वजह से काफी टेंशन में थे। उनके परिवार का एक बार बयान लिया गया, लेकिन वे फिर बुलाने पर नहीं आए। फैमिली ने किसी पर शक नहीं जताया था। इसके अलावा सुशांत की बहनों को बुलाने पर भी बयान दर्ज कराने नहीं आई। इन सब के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत की नेचुरल और संदेह एंगल से मौत की जांच चल रही है। पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि महीने पहले सुशांत के मोबाइल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी। इससे खुलासा हुआ था कि अभिनेता ने 14 जून को सुबह करीब 10:15 बजे गूगल पर अपना नाम सर्च किया था। उन्होंने कुछ आर्टिकल भी पढ़े थे और कुछ देर बाद अपना मोबाइल ब्राउज बंद कर दिया था। इसके चंद घंटों बाद उन्होंने फांसी लगाकर जान दे दी। सुशांत के करीबियों ने भी पुलिस को दिए गए बयान में इस बात का जिक्र किया है कि कुछ दिनों से अपने करियर और इमेज को लेकर परेशान थे। उन्हें आशंका थी कि साजिश के तहत कुछ लोग उनकी इमेज और करियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में दिशा सालियान की मौत और उसका सच सुशांत को पता चल चुका था। क्या वाकई सुशांत ने अपनी मर्जी से अपनी जान दी है, या उनको किसी साजिश के तहत जान देने के लिए मजबूर किया गया है, या उनका मर्डर हुआ है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, पर जल्द ही इस बात का खुलासा जरूर होगा। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइफ रिपोर्ट्स, और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर।